गाइज, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की सोच रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को मंगल ग्रह पे बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा, क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मंगल ग्रह के वायुमंडल यानी कि एनवायरमेंट में 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन नाम मात्र की है। और अगर किसी इंसान को वहां पर बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया गया तो एयर प्रेशर की वजह से यानी कि वायु के दबाव की वजह से नसों से खून बाहर आ जाएगा, आपको लकवा मार जाएगा और आप 2 मिनट में मर जाओगे। इसके अलावा मंगल ग्रह का टेम्परेचर पलक झपकते ही -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी कपकपाती ठंड में आपका खून तक जम जाएगा। गाइस, इस वजह से बिना स्पेस सूट के मंगल ग्रह पे रहना नामुमकिन है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियो। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया का सबसे नीडर यानी कि सबसे दिलेर जानवर कौन सा है तो शायद आप लोग शेर का नाम लें, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे नीडर जानवर शेर नहीं है बल्कि वो है हनी बैजर। जी हां गाइस, आप लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि छोटे से आकार के होने के बावजूद भी हनी बैजर बड़े-बड़े मांसाहारी जानवरों से भिड़ जाता है और तब तक लड़ता है जब तक कि वो सामने वाले को मार ना दे या खुद ना मर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। नाम याद रखिएगा, हनी बैजर। ऐसे गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पानी पीने के बाद उस प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसके कैन को जहां तहां ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरमेंट को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन निकाला है जर्मनी ने। गाइस, जर्मनी में क्या होता है कि जब वहां के लोग पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस कैन को रीसाइकिल के लिए देते हैं तो उन्हें 0.25 यूरोस रिफंड किए जाते हैं। गाइस, इससे प्लास्टिक वेस्ट भी इकट्ठा हो जाता है और एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि ये इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है कि पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट कौन से शहर में लगाई गई थी और कब लगाई गई थी, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? चलिए मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता ही देता हूँ। पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को भारत के बेंगलोर सिटी में लगाई गई थी। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, अगर आपको आपके शरीर में ताकत की कमी लगती है या फिर पूरे दिन काम करते समय एनर्जी लो सी फील होती है तो आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको सुबह नाश्ते में अंकुरित चने लेने और फिर उसमें नींबू छिड़कना है और फिर साथ साथ अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े डाल लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और काली मिर्च और फिर उसे खाइए। ये नाश्ता करने पर आपको भरपूर एनर्जी अपने शरीर में फील होगी और आपको थकावट भी कम लगेगी और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगेगी। ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप। गाइस, क्या आपको पता है कि एयरफोर्स का सबसे महंगा विमान कौन सा है? चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरफोर्स के सबसे महंगे विमान के बारे में बताता हूं और वो है फाइटर जेट F-35। और गाइस, आप लोग ये जान के हैरान रह जाओगे कि फाइटर जेट F-35 को उड़ाने के लिए पायलट जो हेलमेट पहनता है वो 1,000, 10,000, 1,00,000 या 1 करोड़ का नहीं है, बल्कि वो हेलमेट लगभग 3 करोड़ रुपए का है। ओह माय गॉड। गाइस, अब आप अंदाजा लगाइए कि फाइटर जेट खुद कितना महंगा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फाइटर जेट की कीमत इंडियन रुपीज में 700 करोड़ से 900 करोड़ रुपए तक है। ऐसी अमेजिंग गाइस, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस, आपको RX का ये मतलब सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे में शौक एक बहुत बड़ी चीज है और इसी वजह से इस दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जो कि सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी गाड़ियों से ज्यादा उसकी नंबर प्लेट पे खर्च कर देते हैं। तो चलो, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी है और वो कितने की है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए, इस बात का जवाब मैं आपको देता हूं और सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है F
F1, जी हाँ दो ही लेटर हैं F1, और ये नंबर प्लेट 132 करोड़ रुपए की है। ओह माय गॉड, 132 करोड़ रुपए की। ये नंबर प्लेट स्पेशली बुगाटी वेरॉन जैसी कारों पर लगाई जाती है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग